हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैट्रिक 2020 में पास करने वाले सभी स्टूडेंट जो यहां पे छात्रवृत्ति के लिए योग्य थे यानी प्रोत्साहन राशि के योग्य थे उनका लिस्ट जारी किया गया है। यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, रिजेक्ट लिस्ट, एक्सेप्ट लिस्ट, किनका पेमेंट आ गया है, किनका किन किन कैंडिडेट का पेमेंट आने वाला है और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अकाउंट अपडेट किया गया है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है। सभी डिटेल्स यहां पे आपको बताया गया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर बैठे। तो कैसे चेक करना है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले करेंगे गुजारिश की चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक कैसे करना है प्रोसेस यहाँ पे आप देख लीजिए। इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे बता दे फ्रेंड्स कि आपको जो 2020 का जो स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक पास किए थे, यहाँ पे देख सकता है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए। जी फ्रेंड्स, जिन्होंने 2020 में आवेदन किया था या पास किए थे ठीक फ्रेंड्स, उनका नहीं आया है तो ही वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आ चुका है, किनका आया है किनका नहीं आया है यहाँ पे लिस्ट जारी किया जा चुका है। जिनका रिजेक्ट हुआ होगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, किनका यहाँ पे न्यू अपडेट किया गया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 वाले ही बहुत सारे यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसमें से एक किसी भी लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, नंबर 1, 2 या यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से ओपन होगा। मैं यहाँ पे प्रोसेस आपको अपने मोबाइल फोन से करके दिखा रहा हूँ तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको मिलेगा बहुत सारा ऑप्शन, लेकिन आपको आना है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज टोटल समरी लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको एक पेज नेक्स्ट ओपन होगा जहाँ पे आपको आपका स्कूल, जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होंगे वो स्कूल आपको ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद अब आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट का मिला है, कितने स्टूडेंट टोटल थे। यहाँ से अपने स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा, पहले स्कूल यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होंगे तो यहाँ पे आप ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड, देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइंड इन पेज, यहाँ पे फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी कॉलेज होगा या स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स। डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कॉलेज या स्कूल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन सा ऊपर क्या दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले दिया गया है कॉलेज का नाम, उसके बाद टोटल कितने स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जो न्यू अपडेट किया गया है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका न्यू अपडेट किया गया है यानी अभी हाल फिलहाल में अपडेट किया गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि रिमेनिंग अकाउंट टू बी अपडेट, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि टोटल पेमेंट कितने स्टूडेंट का भेज दिया गया है, और यहाँ पे मिलेगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि टोटल यू आर रिसीव ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं दिखाया था हूँ अपने कॉलेज का, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसी तरह मैं यहाँ पे फाइंड पेज करूंगा, उसके बाद सर्च करूंगा, सर्च करने का मेरा स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 97 है जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं 9 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपडेट किया है यानी अपने अकाउंट नंबर को दोबारा अपडेट किया है। तो यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा, बस 20 सेकेंड 10 सेकेंड यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जो पेज ओपन होगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे नौ, जो मैंने नौ पे क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हैं नौ ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे अपने अकाउंट को अपडेट कराया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपना नाम चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, बैक आइएगा। बैक आने के बाद फिर आपसे आपको क्या करना होगा, आपका कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो आपका कॉलेज हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर लिया है, 74 आदमी न्यू अकाउंट अपडेट किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शेष यानी बचा हुआ है अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे जो 55 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे टोटल पेमेंट सेंड किया गया है, और यहाँ पे इनका पेमेंट यहाँ पे सेंड होने वाला है, यानी इनको लगभग यहाँ पे बात कर ले तो कभी भी पैसा आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जल्द ही जल्द इनका पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक कीजिएगा तो इनका लिस्ट आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे 17 व्यक्ति हैं जिनका पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट रुका कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह अपना अपडेट कर सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए कि किनका किनका इसमें नाम नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम बता दें उनको बैक आना है। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइड टोटल रिजेक्टेड लिस्ट, तो यहाँ पे भी एक बार क्लिक करके आप वैसे ही चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज या स्कूल का नाम सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका स्कूल कौन सा है। उसके बाद आप व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट का यहाँ पे नहीं है बकाया, यानी उनका रिजेक्ट नहीं किया गया है। इस तरह आप अपना चेक कर सकते हैं कि किनका रिजेक्ट है या किनका रिजेक्ट नहीं है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका क्या क्यूरी है। अगर किसी प्रकार का सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।